47 डिग्री पारे से भुनी खिचड़ी। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुसार के अनुसार विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्मी के तापमान का अनुमान लगाया गया है। अमरावती जिले के धामड़ गांव में इन दिनों पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। बढ़ते तापमान के कारण मानव जीवन चक्र बदल रहा है। सुबह में काम के जाने के लिए और घर में रहने के कारण सड़कें बदहाल हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूर सुबह अपने खेत में जा रहे हैं। और दोपहर 12 बजे अपने पैरों घरों को लौट रहे हैं। एक वृद्ध महिला ने कहा कि उसके घर की तीनों पर एक घर के चावल और दाल को रात में 9 बजे अमरावती के धामगांव पुलिस स्टेशन में रखा गया था। उसने कहा कि उस 2 बजे तक खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज सवालाके है। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ ग्रामीण रुग्णालय धामनगांव रेलवे यहाँ पे। अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हीट वेव शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से दिन का तापमान अपना 45-46 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में सनस्ट्रोक होना बहुत स्वाभाविक रहता है जो लोग बाहर काम करते हैं। इसलिए धूप से बचाव और शरीर में पानी और नमक की मात्रा का सही रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सबसे पहले तो धूप में जाना या धूप में कोई मेहनत का काम करना ये ना करें, ठीक है। और अगर करना भी पड़ता है तो प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज़ करें, जैसे छतरी हो गया या फिर रुमाल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। हाइड्रेशन मतलब आपको पानी और नमक की मात्रा अपने शरीर में मेंटेन रखनी है। इसके लिए आप ORS का इस्तेमाल करोगे वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर ORS नहीं है तो आप नमक और चीनी मिला के पानी भी पी सकते हो। और ध्यान रहे कि कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना ही है। दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। और अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको लगता है कि जैसे बुखार चढ़ा है या चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है, तो तुरंत अस्पताल आइए। यहाँ पे सब व्यवस्था की गई है, जैसे कि कोल्ड पैक्स है, कोल्ड रूम है। और अगर किसी को ऐसा होता है कि अचानक बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उसे तुरंत अस्पताल ले आइए। मी डॉक्टर आशीष सालनकर ग्रामीण रुग्णालय धामणगाव रेल्वे येथे कार्यरत आहे। सध्या धामणगाव शहरात उन्हाचा पारा हा 36 डिग्री पासून सुरू होतो आणि एकदम 46 डिग्री पर्यंत क्रॉस करून राहिलेला आहे। अशा वेळी मी नागरिकांना सूचित करतो की उन्हामध्ये कोणीही काम करू नका। 11 ते 4 वाजेपर्यंतचा आपला वेळ रिझर्व ठेवा। यावेळी कोणतेही कष्टाचे काम करू नका। जे कष्टकरी लोक आहेत त्यांनी आपल्या डोक्याला बांधून सावलीच्या जागेवरच कष्ट करा। ज्यांना हेही शक्य नाही आहे त्या लोकांनी भरपूर पाण्याचा उपयोग करा। पाण्यामध्ये निंबू आणि मीठ अशा टाईपचे इलेक्ट्रोलाइट्स असलेले घटक टाका, जेणेकरून तुमच्या शरीरामधले याचे पाण्याचे आणि मिठाचे प्रमाण कमी होणार नाही व तुम्ही उष्णाघातापासून वाचू शकाल। उष्णाघातासाठी आम्ही ग्रामीण रुग्णालयामध्ये एक कोल्ड चेंबर म्हणून बनवलेलं आहे। कोल्ड चेंबरमध्ये आम्ही कूलर वगैरेची व्यवस्था केलेली आहे। तसेच याच्यामध्ये लागणारे अँटी हिस्टॅमिनिक इलेक्ट्रोलाइट्स अशा प्रकारची सर्व सुविधा आम्ही धामणगाव रेल्वे येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपलब्ध करून ठेवलेली आहे। तरी इथे जर काही असा उष्णाघाताचा उष्णाघातामध्ये एकदम ऑल ऑफ सडन उलटी येते, डोकं चक्रावते, कधी कधी भोवळ येऊन पडता आणि एकदम डिहायड्रेटेड म्हणजे पाण्याची शुष्कता निर्माण होते, अशावेळी त्या पेशंटला लवकरात लवकर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये शिफ्ट करा। तिथे आपण यांची पूर्ण व्यवस्था केलेली आहे। आमच्या इथे आईस पॅक्स पासून तर कोल्ड चेंबरपर्यंत तयार आहे।
मैक्सिमम वेळा उन्हात काम करणे टाळा व उन्हात जर काम करायचं असेल तर आपला डोक्याचा भाग उन्हापासून कसा बचावू शकतो अशा रीतीने बघूनच काम करा.